सो so, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्टी एम सी क्यूज़ ऑफ एम एस वर्ड एम एस वर्ड के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्टी एम सी क्यूज़ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ठीक है ये कंप्यूटर का मॉक टेस्ट सिक्स है इससे पहले फाइव मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वो ठीक है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दे सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू सो वर्ड प्रोसेस को हम किस लिए यूज़ करेंगे इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कीप एन अकाउंट ऑफ मनी स्पेंड डू अ कंप्यूटर सर्च इन मीडिया सेंटर मेंटेन इन एन इन्वेंट्री टाइप ऑफ बायोग्राफी तो इसमें से जो आपका बेस्ट आंसर होगा हम एम एस वर्ड यूज़ करेंगे टाइप ऑफ बायोग्राफी के लिए एम एस वर्ड में आप क्या कर सकते हो कोई लेटर टाइप कर सकते हो कोई बायोग्राफी कोई स्टोरी राइट कर सकते हो ठीक है कोई डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हो सो एम एस वर्ड में हम यहाँ यहाँ पे जो मोस्ट प्रॉबुलर आंसर होगा वो आपका डी पार्ट हो जाएगा टाइप ऑफ बायोग्राफी सो क्वेश्चन नंबर टू पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं ठीक है आप फोन में भी यूज़ करते हो ये पेज ओरिएंटेशन होते हैं कि पेज की ओरिएंटेशन कैसी रहेगी बी पार्ट इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर थ्री विच फीचर ऑफ एम एस वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपको लिस्ट बनानी है तो लिस्ट के लिए नंबरिंग देनी होती है ना साथ में अगर लिस्ट बनानी है तो साथ में नंबरिंग या बुलेट्स देनी होते हैं है ना सो so इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पार्ट बुलेट्स एंड नंबरिंग या तो बुलेट्स दोगे लिस्ट को या क्या करोगे नंबरिंग दोगे क्वेश्चन नंबर फोर एम एस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सो एम एस वर्ड कौन सा सॉफ्टवेयर है ये तो हम पढ़ चुके एम एस वर्ड इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब हमने सॉफ्टवेयर वाली एम सी क्यू सीरीज़ की थी उसमें पढ़ा था हमने इट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है क्वेश्चन नंबर फाइव विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू अलाइन सेंटर द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एम एस वर्ड सो एम एस वर्ड में आपने जो टेक्स्ट uh, को अगर सेंटर अलाइन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की देखो ये जितने भी एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड एक्सेल ये आपके सिलेबस में सारे दिए हैं इनमें शॉर्टकट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक दो क्वेश्चन मिलेंगे पक्का शॉर्टकट कीज़ पे ही तो शॉर्टकट कीज़ आप अच्छे से देख लेना इजी हैं बिल्कुल नाम पे ही होती हैं जो नाम पे नहीं होती ना जो उस वर्ड के नाम पे लेटर पे नहीं होती उसको मेमोराइज़ कर लो ठीक है अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर लाइन करना हो तो उसका कंट्रोल सी तो नहीं आएगा क्योंकि सी हम यूज़ करते हैं कॉपी के लिए कंट्रोल सी हम किसके लिए यूज़ करते हैं टैक्स को कॉपी करने के लिए सो so, उसके लिए होता है कंट्रोल ई -E. अगर सेंटर अलाइन अलाइन करना है तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ई सिमिलरली अगर टैक्स को आपको राइट अलाइन करना है तो कंट्रोल आर ओ आपका हो जाएगा अगर लेफ्ट अलाइन करना है तो कंट्रोल एल हो जाएगा और एक होता है कंट्रोल जे जस्टिफाइड अलाइनमेंट होती है वो ठीक है वो कंप्यूटर खुद से अलाइन करता है कंट्रोल जे वो भी नाम से ही है जस्टिफाइड जे ठीक है और कंट्रोल यू तो आपको पता है ये होता है अंडरलाइन करने के लिए किसी टेक्स्ट को अगर अंडरलाइन करना है तो शॉर्टकट की उसके लिए क्या है कंट्रोल पहले उस टेक्स्ट को आप आ, क्या करो सेलेक्ट कर लो फिर कंट्रोल यू दबाओगे तो वो पूरा टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा सो so, शॉर्टकट की मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स इन एम एस वर्ड कंट्रोल प्लस होम इज़ यूज तो शॉर्टकट की फिर से पूछ रहा है कंट्रोल प्लस होम इज़ यूज टू देखो अगर एम एस वर्ड में आप सिर्फ होम की दबाओगे ना तो वो आपको क्या करेगी वो कर्सर को लेके जाएगी बिगनिंग ऑफ़ दी लाइन पे जिस लाइन पे आप काम कर रहे हो उसके बिगनिंग पे लेके जाएगी होम की लेकिन यहाँ कंट्रोल प्लस होम की बात कर रहा है तो कंट्रोल प्लस होम अगर दबाओगे आप तो ये शॉर्टकट की आपके कर्सर को लेके जाएगी टू द बिगनिंग ऑफ़ दी डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट के बिगनिंग में लेके जाएगी सो बड़ा कन्फ्यूजन कन्फ्यूज नहीं होना है ठीक है अगर सिर्फ होम की का पूछा तो वो कर्सर को लेके जाएगी एट द बिगिनिंग ऑफ लाइन और अगर कंट्रोल प्लस होम का पूछा तो वो पूरे डॉक्यूमेंट के बिगिनिंग में आपको लेके जाएगी ठीक है सो सी पार्ट इज योर आंसर मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन यहाँ पे लिखे ना मूव्स द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन जो ए पार्ट है ये होता अगर सिर्फ होम होता बट यहाँ कंट्रोल प्लस होम है यहाँ सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा मूव्स द कर्सर टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग की इज़ यूज फॉर चेकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग अगर आपको चेक करना है सिलेक्टेड टेक्स्ट का कि सही है कि नहीं तो उसके लिए एफ़ सेवन की हम यूज़ करते हैं यहाँ एफ सेवन दो बार हो गया ये एफ फोर होगा सॉरी ये एफ फोर होगा एफ सेवन डी पार्ट इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर एट इन एम एस वर्ड आर टी एफ स्टैंड फॉर आर टी एफ क्या होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आर टी एफ की फुल फॉर्म क्या होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर नाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन एम एस वर्ड एम एस वर्ड में कुछ करेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन होते जिसमें हम करैक्टर के करैक्टर्स को फॉर्मेट कर सकते हैं आप करैक्टर में क्या फॉर्मेट कर सकते हैं उसका फ़ोन स्टाइल चेंज कर सकते हैं उसका फ़ोन चेंज uh, कर सकते हैं उसका साइज चेंज कर सकते हैं तो ये तीनों तो होते हैं ही वहाँ पर कौन सा नहीं होता है ये पूछ रहा है तो अलाइनमेंट वहाँ पर नहीं होता अलाइनमेंट जो है वो फार्मेटिंग वाले टूल बार में नहीं होता ठीक है फ़ोन स्टाइल चेंज कर सकते हैं फोन चेंज कर सकते हैं साइज़ चेंज कर सकते हैं बट अलाइनमेंट वहाँ से चेंज नहीं होती अलाइनमेंट वहाँ से चेंज नहीं होगी क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू क्रिएट स्मॉल लेटर्स अबो दी लाइन ऑफ टेक्स्ट इन एम एस वर्ड सो एम एस वर्ड में अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो कोई लेटर लेटर के अगर आपको टॉप पे कुछ लिखना है ठीक है जैसे होता है ना नंबर्स की पावर्स में हम लिखते हैं पावर्स में तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट उसको क्या बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट जैसे नहीं हम लिखते हैं टू रेज टू पावर फोर तो इसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट जो हम ऊपर लिखते हैं सिमिलरली टेक्सट के ऊपर कभी कभी हम लिखते हैं ना ट्रेडमार्क का साइन होता है वो लिखते हैं कभी कभी तो वो जो होता है वो उसको हम बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट सिमिलरली अगर नीचे लिखना है ठीक है बेस में लिखना है तो उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं जैसे हम लिखते हैं ना लॉग की पावर बेस टेन यहाँ पे लिखते हैं छोटा सा है ना बेस लिखते हैं यहाँ पे तो इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट और इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन द फाइल एक्सटेंशन फॉर एम एस वार्ट तो जितने भी ये एम एस ऑफिस के आपके सॉफ्टवेयर हैं एक्सेल पावर पॉइंट व एम एस वर्ड इन सब की आपको एक्सटेंशन तो याद होनी चाहिए ये तो इंपॉर्टेंट है ये कई बार क्वेश्चन आया भी है तो एम एस वर्ड की होती है डॉट डी ओ एक् डी ओ सी एक्स सी पार्ट इज़ योर आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व वेन यू क्रिएट द फर्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल इन वर्ल्ड वट विल बी द डिफॉल्ट फाइल नैम अब ये डिफॉल्ट भी बहुत क्वेश्चन पूछता है ठीक है एग्जाम में कि एम एस वर्ड में डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्टोन कौन सा होता है डिफ़ॉल्ट अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट बनाओगे तो डिफ़ॉल्ट नेम उसका क्या होता है एम एस वर्ड में ठीक है डिफ़ॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट वन डॉक्यूमेंट दागुमें, फर्स्ट डॉक्यूमेंट फर्स्ट ठीक है फिर उसको चेंज करके आप नाम कुछ भी लिख सकते हो उस डॉक्यूमेंट का लेकिन जो पहले से नाम लिखा होगा वो डॉक्यूमेंट फर्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन वट वी हैव टू टाइप इन दी रन डायलॉग्स बॉक्स जो रन डायलॉग बॉक्स होता है उसमें हम क्या टाइप करें टू ओपन एमएस वर्ड एम एस वर्ड को ओपन करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सो so, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी पार्ट। विन वर्ड डॉट ई ठीक है ये आप टाइप करोगे तो आप ओपन कर सकते हो एम एस वर्ड विन वर्ड डॉट ई क्वेश्चन नंबर फोरटीन व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन एम एस वर्ड एम वर्ड में आप डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते हो मैक्सिमम मैक्सिमम हम जूम कर सकते हैं फाइव हंड्रेड परसेंट और मिनिमम कितना जूम कर सकते हैं टेन परसेंट ठीक है ये याद रख लो एम एस वर्ड की बात करो एम एस वर्ड में मिनिमम टेन और मैक्सिमम फाइव हंड्रेड जूम परसेंटेज क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वैन वी ओपन एम एस वर्ड वाट इज द डिफॉल्ट फोन स्टाइल देखो आप फ़ोन स्टाइल पे पूछ रहे हैं तो डिफॉल्ट आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए फ़ोन स्टाइल जब भी आप एम एस वर्ड ओपन करोगे आप चेक करना फ़ोन स्टाइल वहाँ पहले से कौन सा होता है जो डिफ़ॉल्ट पे सिलेक्टेड होता है वो होता है कैलिबरी फो ये एक फ़ोन का नाम है ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वट इज़ द डिफ़ॉल्ट फट साइज़ इन एम एस वर्ड तो डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है वहाँ पे आपका एलेवन पॉइंट एलेवन पॉइंट पहले से सिलेक्टेड होता है कोई भी डॉकूमेंट आप एम एस वर्ड में बनाओगे अगर आपने साइज चेंज नहीं किया तो पहले से साइज़ जो होगा वो अलेवन पॉइंट होगा और अवेलेबल वहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से होते हैं ऑप्शन होते हैं एट से लेके एट पॉइंट से लेकर सेवेंटी टू पॉइंट तक ये भी याद रखो बट इसका मतलब ये नहीं है कि सेवेंटी टू से बड़ा साइज़ नहीं आप रख सकते एट से छोटा साइज़ नहीं रख सकते जो मिनिमम साइज़ होता है एम एस वर्ड में वो वन पॉइंट होता है और मैक्सिमम जो होता है वो होता है वन सिक्स थ्री एट वन सिक्स थ्री एट ये वहाँ पे आपको दिखेंगे नहीं आप जब साइज़ uh, का कॉलम खोलोगे ना आपको जो ऑप्शन वहाँ पे मिले होंगे एट से स्टार्ट होगा ए टन एट टेन एट नाइन टेन एलेवन टवेल्व ऐसे फ़ोर uh, फोर का शायद डिफरेंस होगा एट ना टेन अलेवन फिर uh, आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है सेवनटी टू तक ऑप्शन आपको मिलते हैं ठीक है आप एक बार एम एस वर्ड ओपन करके देखना इसका मतलब ये नहीं हो, होता कि मैक्सिमम साइज़ सेवनटी टू और मिनिमम एट है अगर वो डिफ़ॉल्ट पूछे ना कि वहाँ पे जो अवेलेबल है अवेलेबल मैक्सिमम साइज़ वो सेवेंटी टू हो जाएगा लेकिन एक्चुअल में मैक्सिमम कितना होता है वन सिक्स थ्री एट और मिनिमम आप कितना साइज़ रख सकते हो वन पॉइंट ये याद रखना आप और डिफ़ॉल्ट कितना होता है डिफ़ॉल्ट होता है एलेवन पॉइंट पहले से वहाँ से एलेवन पॉइंट सेलेक्टेड होता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इन एम एस वर्ड विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू चेंज द टैक्स केस अगर टैक्स केस आपको चेंज करना है जल्दी से उसके लिए शॉर्टकट की होगी मतलब अगर स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में कन्वर्ट करना है या कैपिटल को स्मॉल में करना है उसके लिए आपकी शॉर्टकट की पूछ रही है तो टैक्स केस चेंज करने के लिए शॉर्टकट की आपकी होती है शिफ्ट एफ थ्री शिफ्ट एफ थ्री ठीक है बी पॉइंट शिफ्ट एफ थ्री क्वेश्चन नंबर एटीन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेज डोन की पेज डोन अगर दबाओगे पेज डोन पेज डोन एक की होती है उसको उससे क्या होगा पेज डोन अगर आप क्लिक करोगे तो उससे क्या होगा वन स्क्रीन डोन चले जाओगे आप ठीक है वन स्क्रीन डोन चले जाओगे बी पार्ट इज योर आंसर वन पेज डोन नहीं कर देना ठीक है वन स्क्रीन डोन और वन पेज डोन में डिफरेंस होता है वन स्क्रीन डोन का मतलब होता है कि जो स्क्रीन आपको अभी दिख रही है ना वो हट जाएगी और उससे आगे वाली आ जाएगी ठीक है ना और पेज डोन में क्या होता है कि पूरा का पूरा पेज नीचे हो जाता है ठीक है अब एक स्क्रीन में पूरा पेज नहीं आता कभी कभी ठीक है एक स्क्रीन में पूरा पेज नहीं आता तो पेज डोन से स्क्रीन डोन होती है अगर आपको पूरा पेज डोन करना है फिर कंट्रोल प्लस पेज डोन दबाना होता है ये चार चीज़ याद रख लो देखो पेज डोन अगर हुआ तो आपको याद रखना है कि वन स्क्रीन डोन हो जाएगा सिमिलरली अगर इसका अपोजिट करूँ मैं पेज अप पेज अप को दबाओगे तो क्या होगा वन स्क्रीन अप हो जाएगी लेकिन अगर कंट्रोल साथ में ले लोगे कंट्रोल प्लस पेज डोन अब वन पेज डाउन हो जाएगा वन स्क्रीन नहीं वन पूरा का पूरा पेज डाउन हो जाएगा और कंट्रोल प्लस पेज अप करोगे तो वन पेज अप हो जाएगा तो ये चार चीज़ याद रखना ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन वट इज़ द यूज ऑफ कंट्रोल पेज अप देखो कंट्रोल पेज अप कंट्रोल प्लस पेज अप अगर सिर्फ पेज अप होता तो वन स्क्रीन अप हो जाती बट कंट्रोल प्लस पेज अप है तो वन पेज अप हो जाएगा सो मूव कर्सर वन पेज अप सो बी पार्ट इज योर आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी From विच व्यू कैन यू सी हो दी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विल appear ऑन प्रिंटेड पेज जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो आप प्रिंट करने से पहले उसको देखना चाहते हो कि प्रिंट करने के बाद ही कैसा दिखेगा तो वो हमें दिखता है कहाँ पर जाके प्रिंट लेआउट में जाके प्रिंट लेआउट में जाएंगे हम प्रिंट लेआउट के ऑप्शन में तो वो हमें दिखाएगा कि डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद ऐसा दिखेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वट इज़ द मैक्सिमम फोन साइज यू कैन फॉर अ गिवन करेक्टर एम एस वर्ड में आप मैक्सिमम फोन साइज कितना अप्लाई कर सकते हो अभी मैंने बताया सेवटी टू नहीं क्लिक कर लेना इसका सेवेंटी टू वहाँ पर अवेलेबल होता है ठीक है जो अवेलेबल साइज होते हैं ना वहाँ पे मतलब जो लिखे हुए होते हैं पहले से आपको सिर्फ उनको सेलेक्ट करना होता है उसका मैक्सिमम सेवेंटी टू है इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम सेवेंटी टू है मैक्सिमम जितना है वो वहाँ पे आप टाइप करो आपको हंड्रेड साइज़ चाहिए 200 तो हंड्रेड टाइप करो आप टू हंड्रेड चाहिए टू हंड करो तो मैक्सिमम जाने के लिए मैक्सिमम जो होता है वो होता है आपका वन सिक्स थ्री एट दैट इज सी पार्ट और मिनिमम वन पॉइंट मिनिमम वन पॉइंट ठीक है और मैक्सिमम वन सिक्स थ्री एट

ट्वेंटी फोर बार इज़ यूजली लिक्वेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटराइज ऑप्शन अभी बता दिया मेनू बार उसको बोलते हैं ठीक है पहले टाइटल बार टाइटल बार के बाद नीचे होती है मेनू बार जिसमें कटेगराइज ऑप्शन होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच शार्टकट की इज़ यूज टू डिस्प्ले द फुल पे और प्रिंट प्रीव्यू अभी हमने बताया कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आपको देखना है तो कहाँ जाके देखना है प्रिंट लेआउट पे तो उसकी उसके लिए शॉर्टकट की भी है आपके पास उसके लिए आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एफ टू कंट्रोल प्लस एफ टू डी पॉट इज़ योर आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द एबिलिटी टू कम्बाइन नेम एंड एड्रेसिज विद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अगर किसी डॉक्यूमेंट के साथ आपको नेम्स डिफरेंट नेम्स और डिफरेंट ई मेल एड्रेसिज अटैच करने ताकि आप काफ़ी सारे लोगों को वो डॉक्यूमेंट सेंड कर सकें एक ही टाइम पर तो उसको हम बोलते हैं मेल मर्ज ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया आई थिंक ई मेल वाले ई मेल वे टॉपिक में मेल मर्ज बोलते हैं उसको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन व्हाट इज़ गटर मार्जिन सो गटर मार्जिन होता है डॉक्यूमेंट uh, में जो आप बाइंडिंग साइड पे जो मार्जिन देते हो ना सो दैट के जब डॉक्यूमेंट को बाइंड करेंगे बाद में तो जो हमारा टेक्स्ट है वो ना छिप जाए बाइंडिंग करने के लिए ठीक है बाइंडिंग करते हैं ना हम डॉक्यूमेंट्स को जब बुक्स uh, की शेप देते हैं तो बाइंड bind, बाइंडिंग होते हैं वो तो बाइंडिंग साइड पर एक मार्जिन रखा जाता है जिसको बोलते हैं गटर मार्जिन सो इसका आंसर हो जाएगा मार्जिन दैट इज एडिट टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज वैन प्रिंटेड सी पार्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट होम की इज यूज अभी बताया था होम की किस लिए यूज़ होती है अगर सिर्फ होम दबाओगे तो वो आपको बिगनिंग ऑफ लाइन पे लेके जाएगी मूवज द करसर टू द बिगिनिंग ऑफ लाइन मूवज दी करसर टू द बिगिनिंग ऑफ दी लाइन करसर को कहाँ पर लेकर जाएगी उस जिस लाइन पे आप काम कर रहे हो उसके बिगनिंग में अगर मैं कंट्रोल प्लस होम दबाऊंगा तो वो आपको लेके जाएगी सीधा टू द बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन बाई ऑन विच पेज हैडर एंड फुटर इज़ प्रिंटेड हैडर और फुटर क्या होते हैं ये भी मार्जिनस होते हैं टॉप और बॉटम पे जो मार्जिन होते हैं उनको हैडर और फुटर बोलते हैं वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली अगर आप कोई डॉक्यूमेंट डॉकूमेंट बना रहे हो काफ़ी सारे सो सपोज आपका कोचिंग सेंटर है आप नोट्स बना रहे हो तो हर पेज पर पे पे आपको आपका कोचिंग सेंटर का नाम अगर देना तो वो कहाँ पे दोगे के हेडर पर दे सकते हो अपनी ई मेल आई डी फूटर पर दे सकते हो जो हर पेज पर पे प्रिंट होगी फिर ठीक है सो जो जेडर और फुटर होते हैं वो हर पेज पर होते हैं ऑन एवरी पेज सी पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ लिंक अगर आपको कोई लिंक इंसर्ट करना है डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए शॉर्टकट की आपकी होती है कंट्रोल के कंट्रोल के कंट्रोल के ठीक है कंट्रोल एल नहीं कर देना कि लिंक से एल एल मैंने बता दिया एल किस लिए होता है अगर टैक्ट सेलेक्टिव टैक्स को आपको लेफ्ट अलाइन करना हो ई e होता है अगर सेंटर अलाइन करना हो ठीक है तो ये सारी कीज याद रखना इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ से ही आपको क्वेश्चन आने वाला है सो so, ये थे टॉप थर्टी क्वेश्चन ऑन एम एस वर्ड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पी में डाल दूंगा वहाँ पर थैंक्स फॉर वॉचिंग